उमेश पाल अपहरण मामले में 17 साल के बाद सजा सुनाई गई है बाहुबली अतीक अहमद को। अतीक अहमद को तो सजा सुना दी गई, लेकिन अशरफ को बाइज्जत बरी कर दिया गया इस मामले में, क्योंकि राजू पाल उस समय जब विधायक थे, जिस समय उनकी हत्या की गई थी। आज हम उनके घर पहुँच हैं और हम बात करेंगे, इस समय सिटिंग MLA हैं पूजा पाल जी, जो कि उनकी पत्नी है, ये भी 18 साल से अपने पति की मौत की लड़ाई लड़ रही हैं और बराबर कोर्ट में जाती हैं, तहरीर देती हैं, तमाम चीज़ें होती है और जान का भी खतरा इनके ऊपर बना रहता है। चूँकि उमेश पाल की भी इसी तरह से घटना, जिस तरह से घटना की गई है, रोड पे सरेराह गोली मारी गई है, गोली बम के साथ उनकी मौत वहाँ पे हुई है, साथ में दो कांस्टेबलों की मौत हुई है, तो इनको भी बराबर उसी तरह से खतरा बना रहता है। लेकिन आज जो कोर्ट में जो सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद जो सज़ा सुनाई गई, उसके बारे में हम बात करेंगे। किस तरह से जो आज कोर्ट में निर्णय लिया गया, उसके बाद उनको उम्र कैद की सज़ा दी गई, क्या कहना है आपका? देखिए, मैं कोर्ट का जो ये कोर्ट का फैसला आया है उसका मैं सम्मान करती हूँ, और मगर जो अशरफ को दोष मुक्त कर दिया गया वो कहीं ना कहीं न्याय हित के लिए अच्छा नहीं है। और इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि जो जनता आज इतने सालों से भरी नज़रों से टकटकी लगाए हुए इस केस को देख रही थी कि मतलब इन लोगों के केस में ही फैसला होगा, जो होगा इन्हीं लोगों के फैसले में होंगे और न्याय मिलेगा और इनको सज़ा मिलेगा, और पूरा इलाहाबाद जो एक आतंक से और एक परेशानियों से घिरा रहता था वो कहीं ना कहीं समाप्त होगा। तो उस नाते मैं कहना चाहूँगी, जो अशरफ को छोड़ दिया गया है तो उनके जो शूटर्स हैं वो कहीं ना कहीं उनको मनोबल मिलेगा, क्योंकि उनके दिमाग में ये रहेगा कि एक को सज़ा मिल गई है मगर एक है तो उनके अभाव, उनके प्रभाव में काम करेंगे, और जो आगे जो मुकदमा चलेगा, जो गवाही होगी, तो कहीं ना कहीं जो उनके शूटर्स जैसे मुबारक हैं, बक्सी मोड़ा के और भी बहुत लोग हैं ना, तो इन लोगों को बहुत बल मिलेगा। इस वजह से मैं चाह रही थी कि सज़ा दोनों को मिलता। लगभग 18 साल पहले विधायक रहे यहाँ उमेश पाल, वो विधायक रहे यहाँ पे, राजू पाल की हत्या की गई थी, दिन दहाड़े हत्या हुई थी, दिन दहाड़े ताबा तोड़ गोलियाँ चलाई गई थी, पूरा प्रयागराज दहल गया था। तो उसके बाद उमेश पाल की मौत हुई है, उसमें भी इसी तरह से दिन दहाड़े किया गया। इसमें जो घटना हुई है वो जेल के अंदर रह के इन लोगों ने षड्यंत्र रचा, उसके बाद इनकी मौत की गई है, तो जेल के अंदर रह के भी क्या इनका जो इस तरह से साम्राज्य स्थापित रहेगा? देखिए, क्योंकि इनका जो कुनबा है अपराधिक का बहुत बड़ा है, तो ये चाहे जेल में रहें चाहे बाहर रहें वो एक ही है, क्योंकि इनके जो लोग हैं वो तो जेल में बहुत लोग नहीं है ना, वो तो जो शूटर्स हैं बहुत फरार हैं, भगे हैं और बहुत बाहर हैं भी, मगर जब इनको जो करना होता है वो उनको आदेश देते हैं, हो जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।